गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखा हमने हमारी चल रही थी यूनिट 6, जिसका फर्स्ट लेसन था आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, इसका सेकंड आ जाता है अल्टरनेटिंग करंट्स। लास्ट हमने कल चैप्टर के लास्ट में बात करी थी, तो हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। अब आ जाता है अल्टरनेटिंग करंट। देखिए क्या है अल्टरनेटिंग करंट में, जो इम्पोर्टेंट है पूरा का पूरा डेरिवेशन वाला चैप्टर है। डेरिवेशन को हम बोर्ड पर अच्छी तरह से करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट हम स्लाइड से करेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट। फिर अल्टरनेटिंग करंट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ की बात की जाएगी। उसमें अल्टरनेटिंग करंट के लिए पहले हम निकालेंगे एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ और वोल्टेज एंड सो ऑन। मीन वैल्यू भी हम दो कैटेगरी में निकालेंगे, एक हाफ साइकिल के लिए और एक फुल साइकिल के लिए। नेक्स्ट निकालेंगे आरएमएस वैल्यू, जिसे हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। एसी में आपके अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की। नेक्स्ट एसी सर्किट्स पढ़ेंगे हम। एसी सर्किट्स में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात की जाएगी। पहले एसी सर्किट की सीरीज में जब हम रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। देन एसी सर्किट विथ इंडक्टर्स, इंडक्शन कॉइल कनेक्ट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। देन एसी सर्किट विथ कैपेसिटर सी को ऐड करेंगे तो भी इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट जब एल सी आर तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा तो ये कहलाएगा एल सी आर सर्किट। पढ़ेंगे हम एसी सर्किट विथ सीरीज एल सी आर सर्किट। इसमें हम रेजोनेंस की बात करेंगे एंड क्वालिटी फैक्टर की बात करेंगे। नेक्स्ट आएगा आपके ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसीज वर्सेज एक्सएल एंड एक्ससी। एल आपके इंडक्टेंस के लिए वर्क कर रहा है और सी कैपेसिटेंस के लिए वर्क कर रहा है। देन पावर इन एल सी आर एसी सर्किट, देन वाटरलेस करंट इन एल सी ऑक्सीलेशंस। फिर पढ़ेंगे हम ट्रांसफार्मर, लास्ट आ जाएगा एसी जनरेटर। इस बार जो चैप्टर है उसमें से वाटरलेस करंट को रिमूव या रिड्यूस कर दिया गया, इसका मतलब बाकी टॉपिक तो हमको पढ़ने ही पड़ेंगे। बात आ जाती है अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट। कल हमने डेफिनेशंस देखी थी अल्टरनेटिंग ईएमएफ। कल हमने क्या देखा था, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था लेंज फ्लो में कि जब भी किसी कॉइल से पास आउट मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आती है तो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगती है। अगर उस करंट की पोलैरिटी अल्टरनेट चेंज होती है तो ये बन जाती है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग ईएमएफ की डेफिनेशन कहती है अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज दैट ईएमएफ विच कंटिन्यूसली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। ऐसा जिसके मैग्नीट्यूड में कंटिन्यू चेंजिंग आती है और पीरियोडिकली कंटिन्यूसली क्या होता है रिवर्स, मैक्सिमम जाती है फिर जीरो जाती है फिर मिनिमम जाती है, इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम में चेंजिंग अल्टरनेट होती है, इसलिए हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं। सेकंड जब ईएमएफ की बात करेंगे तो ईएमएफ सोर्स के कारण करंट फ्लो होगी तो ये कहलाएगी अल्टरनेटिंग करंट। सेम डेफिनेशन है, अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट विच कंटिन्यूसली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड पीरियोडिकली रिवर्सेज इट्स डायरेक्शन। जब अल्टरनेटिंग करंट का टाइम रेस्पेक्ट ग्राफ बनाया जाएगा तो ये ग्रीन लाइन जो दिखाई दे रही है वो अल्टरनेटिंग करंट की ग्राफ रिप्रेजेंटिंग है और ब्लू जो लाइन दिखाई दे रही है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम किसी एक की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, फिर पढ़ेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू किस टाइप से फाइंड आउट करनी है, ये हम बोर्ड पर करते हैं। तो हमने देखा अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात की जाती है तो रिप्रेजेंट किया जाता है E=E0 साइन ओमेगा टी। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो रिएक्शन आती है आपकी इक्वेशन I=I0 साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात की जाती है तो V=V0 साइन ओमेगा टी। बात करें IE क्या चीज है, मैं बोलता हूँ I क्या चीज है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बोलू ये क्या चीज है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इन सिंबलों में जो E0, I0 और V0 है, मैं बोलू I0 क्या चीज है, दिस इज द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
ओमेगा टी पूरा का पूरा फेज एंगल कहलाता है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी। अब मैंने कहा था टाइम रेस्पेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी एक का, बाकी सबकी फॉर्म वही बनी रहेगी, तो हम अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। कैसे? हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है अल्टरनेटिंग करंट का, फॉर्मूला बेटा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम 11th क्लास में पढ़ चुके थे, जहां हमने वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन के टाइम रेस्पेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, उसी फॉर्म में ये सारा का सारा चल रहा है। देखें, जब हम टाइम की बात की जाएंगे तो वन पीरियोडिक टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू वन टाइम पीरियड दिस इज टी। तो जीरो से टी के टाइम इंटरवल को हमने सेम इंटरवल में डिवाइड कर लिया, टाइम जीरो टी बाई फोर, टी बाई टू, थ्री टी बाई फोर एंड टी। इन टाइम्स की वैल्यूज पर हम क्या निकालना चाहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट की क्या क्या वैल्यूज बनी रहती है। फर्स्ट हमने लेते हैं इक्वल टू जीरो, सेकंड सेकेंड आपके टी दिस इक्वल टू टी बाई फोर, थर्ड टी दिस इक्वल टू टी अपॉन टू एंड फोर्थ टी दिस इक्वल टू थ्री टी बाई फोर, फिफ्थ टी दिस इक्वल टू कैपिटल टी। टाइम की इन वैल्यूज पे अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यूज बनाना चाहिए। हमारे पास जो फॉर्मूला है अल्टरनेटिंग करंट का, फॉर्मूला हमारे पास चल रहा है बेटा आई दिस इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा, जिसे हम टू पाई अपॉन कैपिटल टी लिख सकते हैं, साथ में टाइम आ रहा है टी। अब टी की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आई दिस इक्वल टू आई नॉट, ये टी बराबर जीरो रखती है, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा साइन जीरो। हम जानते हैं साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी होगी, जब टी बराबर जीरो आई की वैल्यू वहां पास आ गई जीरो। फर्स्ट पॉइंट आ गया ग्राफ का। सेकंड इसी प्रकार से जब टी इक्वल टू टी बाई फोर हो जाए तो वैल्यू वापस आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की वैल्यू टू पाई अपॉन कैपिटल टी, स्मॉल टी की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया टी बाई, निश्चित ही बचेगा साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू मीन साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू वन। तो जब ये पूरा वन बच गया, बचा रह गया आई इक्वल टू आई नॉट, वापस टी इक्वल टू टी बाई फोर पर आई की जो वैल्यू फाइंड आउट हुई दिस इज आई नॉट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट, ये ग्राफ का सेकेंड पॉइंट आ गया। थर्ड टी बाई टू की बात करें तो वापस वही डेरिवेशन, आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इनटू में टी अपॉन टू, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा रह गया साइन पाई। साइन वन ने 80 डिग्री, साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, मींस आई की टोटल वैल्यू ही जीरो मिली। इसमें जब टी इक्वल टू टी बाई टू था उस समय आई की वैल्यू जीरो आ गई। ये ग्राफ का थर्ड पॉइंट। अब आई इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू थ्री टी अपॉन फोर, साइन की वैल्यू बचेगी 3 पाई अपॉन टू, साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा माइनस, साइन 270 ये माइनस वन आ गया, देन आई की वैल्यू वापस आ गई आपके पास माइनस आई। फिफ्थ लास्ट लास्ट जो दिखाई दे रहा है, व्हेन टी इज इक्वल टू टी, सेम उसी प्रोसीजर से करें, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन टू पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टाइम की जगह कैपिटल टी, देन टी से टी कैंसिल, बचे रह गए साइन टू पाई, साइन टू पाई की वैल्यू फिर जीरो, इट मीन्स आई की वैल्यू जीरो।
टी दिस इक्वल टू टी पर, फिर पॉइंट आ गया टी आई दिस इक्वल टू जीरो। कंटिन्यूस इस प्रकार से चलते रहेंगे तो कंटिन्यूस वैल्यूज मिलती जाएगी। तो हमें ग्राफ किसके बीच में बनाना है भाई, अल्टरनेटिंग करंट और टाइम पीरियड के बीच। देखें ग्राफ की बात करें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस, ये ओरिजिन। वैल्यूज तो देखे तो हम टाइम की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने टाइम एक्स एक्सिस पे ले लिया। टाइम की जो वैल्यू है टी बराबर जीरो, टी बाई फोर, टी बाई टू, थ्री टी बाई फोर एंड टी। अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू दिखाई दे रही है, एक बार जीरो, पॉजिटिव आई नॉट, फिर जीरो माइनस आई नॉट, इसको तो अल्टरनेटिंग करंट पोलैरिटी चेंज कर रहा है। मान लिया ये आई नॉट को शो कर रहा है, ये वैल्यू माइनस आई नॉट को शो कर रही है, ये जीरो वाली। तो ग्राफ खींचना चाहते हैं अल्टरनेटिंग करंट और टाइम के बीच। ग्राफ के पॉइंट देखें तो हमने क्या देखा, टाइम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर करंट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगी, या टाइम और या करंट। टाइम जब जीरो था, टी बाई फोर था, टी बाई टू था, थ्री टी बाई फोर था, लास्ट टी था। टाइम की इन वैल्यूज पर हमने जो करंट की वैल्यूज देखी, जैसे जीरो, आई नॉट, जीरो माइनस आई नॉट एंड जीरो, इन पॉइंटों को अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाए, सबसे पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है टाइम जीरो तो करंट जीरो, पॉइंट इस जगह आ गया। पहला पॉइंट इस जगह। दूसरा, जब टाइम टी बाई फोर है तो करंट की वैल्यू आई नॉट है, टाइम टी बाई फोर आई नॉट, यहां से ये पॉइंट यहां आ गया। जब टी बाई टू था फिर जीरो हो गया, जब थ्री टी बाई फोर था आई नॉट वैल्यू माइनस आई नॉट आ रही थी, पॉइंट यहां आ गया और टी पर। अगर इसको कर्व शेप में मिला दिया जाए तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, किसका, अल्टरनेटिंग करंट, जहां ये वैल्यू जिसे पीक वैल्यू बोल रहे हैं आई नॉट, ये दिस इज माइनस आई नॉट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट आ गया, किसका आ गया, अल्टरनेटिंग करंट, जो हमने इक्वेशन ली थी आई दिस इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफिकल, जिसमें दिखाई दे रहा है वैल्यू पीरियडिकली मैक्सिमम मिनिमम चेंज हो रही है, और दिखाई दे रहा है तो पोलैरिटी अल्टरनेटिंग चेंज हो रही है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। सेम इसी प्रकार से अगर हम बनाएं अल्टरनेटिंग ईएमएफ को भी बनाया जा सकता है, ये ग्राफ आएगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को भी बनाएंगे तो टाइम रेस्पेक्ट ग्राफ यही आएगा। अब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट की दो प्रकार की वैल्यूज मेजर करेंगे, एक अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू, एक अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू। फर्स्ट निकाल रहे मीन वैल्यू ऑफ एसी, मीन वैल्यू निकालेंगे एक हाफ टाइम पीरियड के लिए, एक फुल टाइम पीरियड के लिए, मींस एक हाफ साइकिल के लिए और एक फुल साइकिल के लिए। हाफ साइकिल का मतलब टाइम दिस इक्वल टू टी दिस इक्वल टू जीरो टू टाइम पीरियड टी दिस इक्वल टू टी बाय टू। मीन वैल्यू का मतलब आई बार, आई मीन या आई एवरेज वैल्यू, तीनों एक ही। वैल्यू निकालने का, एवरेज वैल्यू निकालने का हम फॉर्मूला जानते हैं, जीरो टू टी बाय टू आई डी टी अपॉन जीरो टू टी बाई टू डी टी, वेयर आई दिस इज अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है आई दिस इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इट मींस इस वैल्यू को यहां रखना है और इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। आई एवरेज जीरो टू टी बाई टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू टी बाई टू साथ में डी टी। दिख रहा नीचे वाला इंटीग्रेशन पहले सॉल्व कर लिया थे, इंटीग्रेशन जीरो टू टी बाई टू डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी विथ लिमिट जीरो से टी बाई टू, टी बाई टू माइनस जीरो
नीचे वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई टी बाई टू। इस वैल्यू को यहां डायरेक्टली लिख लीजिए, तो टी बाई टू डिवाइड करूं या टू अपॉन टी से इसे मल्टीपल करूं, ये वैल्यू जब यहां रखेंगे तो आई एवरेज टू अपॉन टी लिमिट जीरो टू टी बाई टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। दिख रहा है इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी टाइम है, तो टाइम वाले फैक्टर अंदर रह जाएंगे, बाकी कॉन्स्टेंट बार आई नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, टू आई नॉट अपॉन टी इंटीग्रेशन रहेगा जीरो टू टी बाई टू साइन ओमेगा टी डी टी। साइन का हम जानते हैं साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी जीरो से टी बाई टू और ओमेगा टी का ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस बार ले लिया कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा विथ लिमिट जीरो टू टी बाई टू। आगे चलें तो माइनस 2i नॉट अपॉन t दिख रहा ओमेगा आ रहा है, इसको भी बाहर ले ले ओमेगा, क्या बचा रह गया cos ओमेगा t विथ लिमिट 0 टू t बाई टू। वैल्यू जानते हैं जहाँ ओमेगा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी जिसे 2 पाई अपॉन t लिखा जा सकता है, जहाँ जहाँ ओमेगा आ रहा है वह 2 पाई अपॉन t सब्सटीट्यूट करते हैं माइनस 2 आई नॉट अपॉन टी ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी। कॉस 2 पाई अपॉन टी साथ में टी लिमिट 0 टू टी बाई टू, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट माइनस 2 आई नॉट ये टी से टी कैंसिल होते हैं 2 से 2 कैंसिल होते हैं तो बचे रह गए माइनस आई नॉट अपॉन पाई। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू में टी बाई टू माइनस, जब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो टोटली जीरो बन जाएगा तो कॉस जीरो माइनस आई नॉट अपॉन पाई। टी से टी कैंसिल 2 से 2 कैंसिल बचे रह गया कॉस पाई बच रहा कॉस जीरो माइनस आई नॉट अपॉन पाई, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन माइनस कॉस जीरो की वैल्यू टू आई नॉट अपॉन पाई। क्या गया ये एवरेज वैल्यू कितने टाइम पीरियड के लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए, हाफ टाइम पीरियड के लिए अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू आई 2 आई नॉट अपॉन पाई। अगर मैं ऐसे बोलता अल्टरनेटिंग ईएमएफ की एवरेज वैल्यू निकालनी है हाफ टाइम पीरियड के लिए तो क्या आ जाता 2 आई नॉट रिप्लेस हो जाता 2 ई नॉट अपॉन पाई। ऐसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू भी सेंड इक्वल टू 2 वी नॉट अपॉन, इसका मतलब हाफ टाइम पीरियड के लिए 2 पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अपॉन पाई, ईएमएफ में आई नॉट ई नॉट से रिप्लेस हो जाएगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज में ई नॉट वी नॉट से रिप्लेस हो जाएगा, कुल मिला के हाफ टाइम पीरियड के लिए जो वैल्यू बनी रहती है उसे हम 2 आई नॉट अपॉन पाई। नेक्स्ट इसी का सेकंड मीन वैल्यू ऑफ एसी निकाल रहे हैं परंतु हाफ टाइम पीरियड के लिए अब आ जाएगा फुल टाइम पीरियड फुल साइकिल के लिए, इसका मतलब जो टाइम जीरो टू टी बाई टू चल रहा था वो अब जीरो से टी हो जाएगा। इसको डेरिवेशन में सिर्फ
हल्की फुल्की चेंजिंग आएगी और आंसर हो जाएगा। कैसे देखें, जब मैं जीरो से टी कर दूंगा तो आई बार वहां टी बाई टू था, यहाँ टी बन जाएगा। आई मीन फॉर टाइम पीरियड, आई एवरेज फॉर टाइम पीरियड। लिमिट जो जीरो से टी बाई टी थी वो जीरो से टी में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब फुल टाइम पीरियड के लिए एवरेज निकालने का फॉर्मूला इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू टी आई डी टी अपॉन जीरो टू डी टी, वही है। वापस आई क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो वापस आई दिस इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होगी। इसके मतलब टी बाई टू लिमिट हर बार क्या होगी, टी बन जाएगी। आई की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी, यहाँ जीरो से टी हो गया। इसका मतलब सेम डेरिवेशन रहा, केवल जीरो से टी के लिए सॉल्व करना है। ये टी बाई टू, टी बाई टू टी से रिप्लेस हो गया। यहाँ टी बाई टू जो आ रही थी वो टी माइनस जीरो हो जाएगा। इसका मतलब नीचे वाला जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू टी बाई टू की जगह टी आ जाएगी। इसका मतलब टू हट गया, ये टू हट गया। आई एवरेज फॉर फुल टाइम पीरियड टी, फॉर्मूला बन गया वन अपॉन टी जीरो टू टी आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट इज कॉन्स्टेंट, बाहर ले लें, ये आई नॉट बाहर आ गया। लिमिट जीरो से टी साइन ओमेगा टी डी टी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस को माइनस बाहर ले लिया। लिमिट जीरो से टी कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा नीचे आ गया। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन बन गया माइनस आई नॉट अपॉन टी कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इसमें भी ओमेगा फिर बाहर ले लें, तो हमने टू को तो हटा दिया, ये ओमेगा बाहर ले लिया। लिमिट जीरो से टी, जहाँ जहाँ ओमेगा आ रहा वहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा सकती है टू पाई अपॉन टी। तो जहाँ जहाँ ओमेगा आ रहा था वो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो टू तो था ही नहीं, ये टी से टी कैंसिल, ये टू बचा रहेगा, टी से टी कैंसिल हो गया, तो ये नीचे रहेगा टू पाई। ये टू पाई अपॉन टी लिमिट जीरो से टी चल रही, तो टू कैंसिल नहीं होगा, टू एज इट इज बचा रहेगा, टी से टी कैंसिल हो, ये तो जीरो बनेगा। तो जहां कॉस पाई बन रहा था वहां कॉस टू पाई हो जाएगा, टू नीचे एज इट इज आएगा। कॉस टू पाई और कॉस जीरो, यहां दिक्कत आती है कि जो कॉस टू पाई है उसकी वैल्यू वन होती है और कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो वन माइनस वन बाहर कुछ भी हो, जब वन माइनस वन होगा तो टोटली जीरो हो जाएगा। इसका मतलब फुल टाइम पीरियड के लिए अल्टरनेटिंग करंट हो, चाहे फुल टाइम पीरियड के लिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो, चाहे अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, फुल टाइम पीरियड के लिए इनकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, जीरो आती है। इसका मतलब फुल साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू हमेशा कैसी बनी रहती है, जीरो बनी रहती है। ये कहलाती है मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फुल टाइम पीरियड एंड हाफ टाइम पीरियड। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, हम निकालेंगे हम आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।